यूपी के बरेली में पड़ोसी युवक द्वारा एक विवाहिता को भगा ले जाने के मामले में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान उपचार इलाज में एक की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गाँव लोकपुर में रहने वाले 55 वर्षीय सोमपाल के पड़ोस में नथुलाल रहते हैं। कुछ दिन पहले सोमपाल की पुत्रवधु को नथुलाल का लड़का लेकर फरार हो गया, जिसके बाद दोनों के परिवार में बगावत शुरू हो गई। सोमपाल अपनी बेटी को वापस करने की मांग करने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बेटी को उसके घर नहीं भेजा गया, जिससे अंदर ही अंदर दोनों ही लोग रंजिश रखने लगे। बताया जा रहा है कि सोमपाल की पुत्रवधु को भगा कर ले जाने वाला आरोपी मंगलवार को जब गाँव लौटा तो एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। लाठी डंडों के साथ हुई मारपीट में सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवा। देर रात इलाज के दौरान सोमपाल की मौत हो गई। कल दिनांक 11 मई 2021 को थाना फरीदपुर में दो ई रिक्शा चालक सोमपाल और नथुलाल, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक होगी, इनमें आपस में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई थी। दोनों में विवाद का प्रमुख कारण यह था कि सोमपाल की पुत्र वधु को नथुलाल की के पुत्र ने अपने पास रख लिया था। होली के पूर्व इस बात को लेकर दोनों में आपस में कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसमें आपस में समझौता हो गया था। कल इसी बात को लेकर पुनः दोनों ई रिक्शा चालकों में विवाद हुआ। इसमें सोमपाल की तरफ से थाना फरीदपुर में NCR पंजीकृत कराई गई थी, जहाँ जिला अस्पताल में सोमपाल का दौरान इलाज उनका निधन हो गया। इसके संदर्भ में NCR को 302 में अल्टर किया गया है तथा पंचायतों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है एवं जो अभियुक्त नथुलाल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।